हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम तो आज ये हम आप लोगों के लिए न्यू सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें हम इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे जैसे कि हम सब जानते हैं हम इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए बहुत सारी थ्योरीज़ को पढ़ते हैं तो सब हम एक एक करके इस सीरीज़ में समझेंगे और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो आ, हमारी आई की जो फेमस थ्योरीज हैं वो है लिबरलिज्म, रियलिज़्म मार्क्सिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म एंड फेमिनिज्म ये सब हम एक एक करके इस सीरीज़ में आने वाली सीरीज़ में समझने की कोशिश करेंगे तो आज इस सीरीज़ से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रियलिज्म की थ्योरी यस yes. हम रियलिज्म की थ्योरी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड रियलिज्म uh, के जो स्कूल ऑफ थॉट है वो दो स्कूल ऑफ थाट्स है एक है क्लासिकल रियलिज्म एंड सेकेंड वन इज़ न्यू रियलिज्म तो आज इस uh, इस वीडियो में हम लोग क्लासिकल रियलिज्म के बारे में पहले समझने की कोशिश करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट रियलिज्म ओके सो सो लेट्स लेट्स गेट तो फ्रेंड्स रियलिज्म की ये जो थ्योरी है इसको इंटरनेशनल रिलेशन में इंटरनेशनल सॉरी वर्ल्ड लेवल पे एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक डोमिनेंट थ्योरी बोला जाता है समझा जाता है ऐसा क्यों है क्योंकि ये जो एक थ्योरी है आपकी रियलिज्म की ये जो थ्योरी है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बेस्ट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती है कि क्यों एक जो स्टेट जो है वो वॉर और पीस को क्यों वॉर ऑफ़ पीस में क्यों नहीं रहता क्यों एक स्टेट ऑफ वॉर में रहता है क्यों एक वॉर के लिए हमेशा तैयार रहता है एक स्टेट तो इसको समझने के लिए रियलिज्म की थ्योरी को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसका थोड़ा सा बैकलॉक समझना होगा वो है लिबरलिज्म की थ्योरी फ्रेंड्स हमेशा आप इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ते हुए एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा दैट इज़ एन अब क्या है ये वर्ड एन सबसे पहले तो हम इसे समझ लेते हैं एन बेसिकली uh, इस चीज़ को बोला जाता है कि हर कंट्री को मेंटेन करने के लिए वहाँ पे लॉज वहाँ पे शांति बनाए रखने के लिए एक गवर्नमेंट होती है जो कि ये काम करती है बट एट इंटरनेशनल लेवल एट वर्ल्ड लेवल पर जब हम देखें तो कोई भी एक कोई गवर्नमेंट नहीं है हर कंट्री की अपनी अपनी गवर्नमेंट है इंटरनेशनल लेवल पर कोई गवर्नमेंट नहीं है वर्ल्ड लेवल पर कोई भी गवर्नमेंट नहीं है तो दिस सिचुएशन इज़ नोन एज एन ओके तो अब सबसे पहले रियलिज्म को समझने से पहले ये थ्योरी रियलिज्म की कैसे इमर्ज हुई हम समझ लेते हैं लिबरलिज्म क्या है और ये थ्योरी क्या कहती है और किस ड्रॉप बैकग्राउंड में जो है रियलिज्म की जो ये थ्योरी है कैसे इमर्ज होती है ओके okay. तो अभी हमने समझा कि ये जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी है और इसको इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि ये बात करती है ये ये बताती है कि एक जो स्टेट है वो हमेशा वॉर के लिए तैयार रहता है तो हम सब लोग जानते हैं कि वर्ल्ड लेवल पर जो है ऑलरेडी दो वर्ल्ड वॉर्स हो चुकी हैं और एक कोल्ड वॉर हो चुकी है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारी स्टार्ट होती है नाइन्टीन फोटीन पे सॉरी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है हमारी नाइनटीन फोटीन में और वो चलती है नाइनटीन एटीन तक इसमें फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो विनर्स होती हैं वो होती हैं एलाइट पावर्स और आफ्टर वन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कोई भी कंट्री ये नहीं चाहती है कि ऐसी कोई सिचुएशन या ऐसी कोई वॉर जो है दोबारा हो क्योंकि अब कोई भी कंट्री वॉर को अफोर्ड नहीं कर सकती है, क्योंकि हर कंट्री ये समझ रही है हर कंट्री की ये समझ रही है कि वॉर में मिलियंस ऑफ पीपल ने अपनी जान गँ दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट ठीक है चाहे हम लोग विनर्स रहे हों चाहे हम लोग लूजर्स रहे हों दैट इज़ नॉट मैटर एट ऑल ठीक है पर दैट वॉट इज मोर इम्पॉर्टेंट कि मिलियंस ऑफ पीपल डाइट तो ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो ऐसे में इमर्ज होती है हमारी लिबरलिज्म की थ्योरी और लिबरलिज्म की जो थ्योरी है वो ये बात करती है कि हमारी इंटरनेशनल लेवल पर देयर इज़ टोटल एन की कोई भी गवर्नमेंट नहीं है तो टू मेंटेन पीस कॉपरेशन बिटवीन द कंट्री हमें कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर्म करने की ज़रूरत है जो कि पीस मेंटेन कर सके जो कि कॉपरेशन मेंटेन कर सके बिटवीन द कंट्रीज और इसी एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का एक फॉर्मेशन होता है जिसका नाम है लीग ऑफ नेशन लीग ऑफ नेशन के जब फॉर्मेशन होता है इसी के बाद जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है 1939 में जो कि चलती है 1945 तक और इसी के साथ लीग ऑफ नेशन का जो मोटिव है जो मेन ऑब्जेक्टिव के साथ ये फॉर्म हुई होती है कि इंटरनेशनल रिलेशन में इंटरनेशनल यानी वर्ल्ड लेवल पर ऐसी सिचुएशन यानी ऐसी कोई वर्ल्ड वॉर दोबारा ना हो और जब वर्ल्ड वॉर 1939 में दोबारा स्टार्ट हो जाती है तो लीग ऑफ नेशन जो है अपने आप में कहीं ना कहीं जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फेल कर जाती है और लीग ऑफ नेशन का फेल होने का मतलब है कि लिबरलिज्म की थ्योरी जो है कहीं ना कहीं जो है फेल हो जाती है और इसी बैकड्रॉप में इमर्ज होती है हमारी रियलिज्म की थ्योरी जिसके बारे में अब हम समझेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं आई होप आप लोगों को बैकग्राउंड समझ में आया होगा आप जो है अपने डाउट्स जो हैं हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और वीडियो अच्छी लग रही हो समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा आप अपने डाउट्स हमें हमारे टेलीग्राम चैनल्स पर भी भेज सकते हैं ये ये वीडियो आप लोगों के इग्नू के एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है आप इसको किसी भी एग्ज़ाम में ये वीडियो जो है रेफर कर सकते हैं ओके okay, तो चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं रियलिज्म के बारे में रियलिज्म को जो है हम पॉलिटिकल रियलिज्म के नाम से भी जानते हैं इसको हम रियल पॉलिटिक भी बोल देते हैं और अभी हमने समझा कि रियलिज्म जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है स्कूल ऑफ तो ये जो रियलिज्म के जो आइडियाज़ हैं ये जो रियलिस्ट थ्योरी के जो आइडिया हैं वो हम सबसे पहले जो ट्रेस बैक कर सकते हैं वो थ्यूसी की जो बुक है इन वॉर उसमें से जो है इसको ट्रेस कर सकते हैं और इसमें जो वो बात करते हैं वो एथेंस और स्पाटा के बारे में बात करते हैं अपनी बुक में और रियलिज्म की ये जो आपकी जो थ्योरी है वो बात करती है कि टू प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट हम लोग किस चीज़ की बात करते हैं कि हमारे हाथ में पावर होनी चाहिए पावर पॉलिटिक्स की बात करते हैं रियलिस्ट थ्योरिस्ट चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट दो तरह के होते हैं नंबर वन इज़ क्लासिकल रियलिज्म जिसको हम बोलते हैं सेकंड वन इज़ कंटेम्प्रेरी रियलिज्म और जिसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं वो है नियो रियलिज्म ओके okay. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज क्लासिकल रियलिज्म के साथ क्लासिकल रियलिज्म का जो आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट आपको समझना है स्टेट आर द मोस्ट इंपोर्टेंट मेन एक्टर्स एट वर्ल्ड लेवल एंड सेकेंड थिंग इज़ कि इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल से फॉर्म होती है एक सोसाइटी उस सोसाइटी से फॉर्म होता है हमारा स्टेट और ह्यूमन का वो जो इंडिविजुअल का जो ही वो ह्यूमन का नेचर है वो कैसा है वो बहुत सेल्फिश है वो इकोइस्टिक है हमेशा पावर को ग्रैप करना चाहता है पहले वो अपने बारे में सोचता है ये है एक इंडिविजुअल का नेचर ओके okay. चलिए फिर आगे सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं रियलिज्म के कुछ मेजर आर्ग्यूमेंट्स मेजर जो प्रोपोगेटर्स रहे हैं उनके बारे में पहले तो कौन कौन हैं वो समझ लेते हैं थीसी जिनका अभी हमने पढ़ा कि इनकी इन्होंने अपने आइडियाज़ जो हैं अपनी बुक फिलासफी वॉर में लिखे हैं जो कि अराउंड टू थाउजेंड ईयर्स पहले लिखी गई थी आज से देन इज मैकविली ई एच कार हैंड्स मॉर्गेंथो एंड हॉप ठीक है क्लासिकल रियलिस्ट का जो मेन एक आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो ये एनलेस स्ट्रगल चलता आ रहा है पावर को ग्रैप करने का वो एनलेस स्ट्रगल की जो रूट्स हैं वो कहाँ पर हैं वो ह्यूमन नेचर में है अभी हम लोगों ने समझा कि ह्यूमन नेचर कैसा है कि वो सेल्फिश है वो हमेशा पावर ग्रैप करना चाहता है अगर आज उसके पास पावर है एक बच्चे के अगर हम उससे समझें कि अगर आज वो क्लास का मॉनिटर है तो वो कल स्कूल का हेड बनना चाहेगा ठीक है तो इसी तरह से एक ह्यूमन का नेचर है कि अगर आज उसके पास थोड़ी सी पावर है तो वो और पावर क्रैप करना चाहेगा वो सबसे पहले अपने बारे में सोचता है ओके okay. तो इसमें बहुत सारे आ, हमारे प्रोपोगेटर्स रहे हैं सबको अब एक एक करके समझते हैं हमने ऑलरेडी पढ़ा है अभी समझा है थ्यूसी डाइट्स के बारे में इनकी बुक है फिलोसफी एंड वॉर और नेक्स्ट अब हम समझते हैं मैकविली इनकी बुक है बहुत फेमस बुक है द प्रिंस इसमें इनके थॉट्स के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं तो मैकविली जो है अपनी बुक में द प्रिंस में जो कि अराउंड इस टाइम पर लिखी गई है ये बुक इसमें ये ये कहते हैं कि ये जो ह्यूमन कैरेक्टरस्टिक है यानी कि ह्यूमन नेचर के बारे में पहले ये बात करते हैं वो कहते हैं कि ह्यूमन नेचर जो है वो सेल्फिश है ईगोइस्टिक है हमेशा पावर को ग्रैप करना चाहता है और यही कहीं ना कहीं स्टेट की जो सिक्योरिटी है उसको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है तो एक जो लीडर होता है यानी जो उस स्टेट और उस कंट्री को चला रहा है उसका पहला प्राइमरी कंसर्न है उसका मेन या प्राइमरी कंसर्न जो है वो क्या है प्रमोट नेशनल सिक्योरिटी वो नेशनल सिक्योरिटी को पहले प्रोटेक्ट करेगा वही है उसका मेन प्राइमरी कंसर्न सो वो बात करता है कि एक लीडर को जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए वो अपनी इस बुक द प्रिंस में ये डिस्क्राइब करते हैं कि एक लीडर को हमेशा अलर्ट होना चाहिए वो कोई भी सिचुएशन हो चाहे वो कंट्री का इंटरनल मैटर हो चाहे वो कंट्री का एक्सटर्नल मैटर हो उसको उस सिचुएशन को टैकल करना आना चाहिए उसे बाहर निकलने का उसे तरीके आने चाहिए तो अकॉर्डिंग टू मैकविली वो एक लीडर की दो क्वालिटीज़ बताते हैं वो है कि एक लीडर को एक फॉक्स की तरह होना चाहिए फॉक्स की तरह चलाक लोमड़ी की तरह चलाक और एक शेर की तरह बहादुर होना चाहिए कि जैसे शेर के पास पूरे यू नो जंगल का वो राजा होता है उसके पास पावर होती है सब लोग उससे डरते हैं तो उसी तरह से एक लीडर को भी एक फॉक्स की तरह और एक लायन की तरह होना चाहिए और अकॉर्डिंग टू मैकवेली यही दो इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं अगर एक लीडर के लिए अगर वो फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट कर रहा है फॉरेन पॉलिसी में आ, मतलब एक एक कंट्री को एक स्टेट को चलाने के लिए एक लीडर में ये दो क्वालिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है तभी एक स्टेट बहुत स्मूथ स्मूथली काम कर सकता है ठीक है मैकफ़िली आगे ये भी बात करते हैं कि एक लीडर को अच्छा रहना चाहिए दे शुड बी गुड एक्ट इन सिचुएशन जहाँ पर ज़रूरत है कि जहाँ पे वॉयलेंस की जरूरत नहीं है वहाँ पर उन्हें वॉयलेंस नहीं यूज़ करना चाहिए पर जहाँ पर वॉयलेंस की ज़रूरत है जहाँ पे एक लगता है कि एक लीडर को कि ये स्टेट का सर्वाइवल तभी होगा जब आ, लड़ाई होगी तो एक लीडर को कभी इस बात से नहीं घबराना चाहिए कि वॉयलेंस होगा लोगों की जान जाएगी एक, एक लीडर को हमेशा वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं हॉप्स के बारे में इनकी बहुत फेमस बुक है लिव्यार्थम इसको समझते हैं हॉप्स का भी यही मानना है यू you नो know, एक पूरे रियलिज्म का जो मेन सेंट्रल आइडिया ही यही है कि ह्यूमन नेचर ह्यूमन नेचर के बारे में ये लोग बात करते हैं कि इसलिए वो एक स्टेट को जो है एक इतना इम्पोर्टेंट एक्टर मानते हैं एट इंटरनेशनल लेवल और उस ह्यूमन का नेचर ही है ये हमारा नेचर ही है सेल्फिश रहना इगोइस्टिक रहना सबसे पहले अपने बारे में सोचना पावर को ग्रैप करना जब भी आप ये रियलिज्म की थ्योरी लिखेंगे आप हर एक प्रोपगेटर यानी हर एक चाहे आप मैकविली की बात करें चाहे आप हॉब्स की बात करें चाहे आप मॉर्गेंथो की बात करें आप इस चीज़ को पहले समझाएंगे और इस चीज़ को आप प्लीज़ अंडरलाइन हाईलाइट कीजिएगा कि जो वो ह्यूमन बींग्स में हमारे अंदर ये जो चाहत है कि हम पावर को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैप करें हम हम ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है इसी की वजह से जो है एक जो स्टेट का जो नेचर है वो वॉर का है इसलिए जो है कभी इंटरनेशनल uh, लेवल पे पीस कॉपरेशन के जो आइडियाज़ जो लिबरलिज़म प्रोप्रोगेट करता है वो इसको नकारते हैं और वो बोलते हैं कि एक स्टेट का इसलिए है कि एक स्टेट जो है हमेशा वॉर के लिए तैयार रहता है ठीक है इसलिए एट इंटरनेशनल लेवल अकॉर्डिंग टू हॉब्स कि आ, कोई भी गवर्नमेंट नहीं है और यहाँ पर सब लोग जो है एक इक्वल स्टेटस जो है इन्जॉय करते हैं सब लोग यहाँ पर इक्वल है ठीक है चलिए अब इसी के साथ हम सबसे पहले समझते हैं ई e. एच कार के आइडियाज़ को ई e. एच कार के आइडियाज इन्होंने अपनी बुक में लिखे हैं जिसका नाम है ट्वेंटी ईयर्स क्राइसिस ई एच कार जब नोटिस करते हैं कि आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो बात आती है कि इंटरनेशनल रिलेशन में सारी कंट्रीज़ के बीच में हारमनी पीस रहने के लिए हम कुछ इंटरनेशनल रिलेशन में एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने की बात करते हैं तो इस चीज़ से जो है ई एच कार जो है वो टोटली totally डिसएग्री करते हैं वो इस चीज़ को नहीं मानते हैं और जब वर्ल्ड वॉर टू हो जाती है और जब लीग ऑफ नेशन जो है फेल हो जाती है तो सबसे पहले जो है ई एच कार के जो वर्ल्ड you लेवल know, पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है राइज ऑफ हिटलर तो आप लोग इससे समझ रहे होंगे जब एक हिटलर का राइज होता है जर्मनी में तो क्या होता है कि हिटलर यू नो उसी के पास सारी पावर हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो ये रियलिस्ट आइडियाज़ हैं वो ट्रू प्रूफ होते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में जो ई एच कार अपनी बुक में जो है ट्वेंटी ईयर्स जो क्राइसिस है इस बुक में अपने जो अपने आइडिया नाइनटीन नाइन में आगे रखते हैं इस टाइम पर जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी हमारी चल रही है फ्रेंड्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑन गोइंग है ठीक है तो वो कहते हैं कि कंट्रीज़ में आ, कहीं कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत ज़रूरी है वो कॉपरेशन पे कभी चल ही नहीं सकती वो कॉपरेशन का कभी कहीं बात हो ही नहीं सकती ये एक स्टेट का ट्रू नेचर है कि कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा और इसलिए वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू हो रही है क्योंकि ह्यूमन का नेचर है ह्यूमन का नेचर हमने अभी पढ़ा कैसा है सेल्फिश है इगोइस्टिक है और हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो है ग्रैप करना चाहता है अब बात करते हैं मॉरगेंथो के आइडियाज़ की मॉरगेंथो ने अपने आइडियाज़ अपनी बुक में लिखे हैं बहुत ही फेमस बुक है इनकी पॉलिटिक्स अमंग नेशन स्ट्रगल फॉर पार एंड पीस 1948 में इनकी ये बुक आई है और उसमें उन्होंने अपने ये जो व्यूज़ हैं आगे रखे और ये उस पीरियड की बहुत ही इन्फ्लुन्शल बुक है चलिए अब जब हमने एक और इम्पोर्टेंट जो थ्योरिस्ट रह गए हैं हमारे वो है मॉरगें सॉरी हाँ जी जे एन मॉर्गेंट तो जे एंड मॉर्गेंटू को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको एक बार थोड़ा सा समअप कर लेते हैं दैट इज ह्यूमन नेचर हमने पढ़ा कि ह्यूमन नेचर जो है कैसा है वो ईगोइिक है ऑलवेज वांट टू मोर ऑलवेज वांट टू ग्रैफ मोर एंड मोर पावर डिजायर फॉर पावर जिसकी वजह से जो है ह्यूमन खुद की ही डेथ का रीजन बन जाता है ठीक है नेक्स्ट है बात करते हैं हम इंटरनेशनल इंटरेस्ट की कि एक लीडर को कैसा होना चाहिए कि सबसे पहले अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है पावर तो ये जो सारी जो ये जो चीज़ें हैं ये आपस में कहीं ना कहीं इंटर इंटरकनेक्टेड हैं ह्यूमन नेचर नेशनल इंटरेस्ट पावर एन आर की एंड इन सब की वजह से जो है रियलिस्ट बात करते हैं बैलेंस ऑफ पावर की तो चलिए आप समझते हैं मॉर्गेंथो तो के जो सिक्स प्रिंसिपल हैं तो मॉर्गेंथु के जो कुछ सिक्स प्रिंसिपल्स हैं ये जो सिक्स जो प्रिंसिपल्स हैं मॉर्गेंथू एक बहुत इनका पूरा नाम है हंस ए और इनकी जो बुक्स बुक uh, आई है सॉरी um, पॉलिटिक्स अमंग नेशन द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस ये एक उस ये एक बहुत ही जर्मन स्कॉलर रहे हैं और इनकी ये जो आइडियाज़ जो जिन्होंने अप, अपनी बुक में इन्होंने जो आइडियाज़ लिखे हैं ये उस टाइम की बहुत एक इन्फ्लुन्शल बुक है और ये जो हैं मॉर्गेंथो जो हैं वो कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं उनको कुछ सलाह देते हैं और उन्होंने कुछ सिक्स प्रिंसिपल्स दिए हैं जिसको अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं वीडियो के इस लास्ट पार्ट में तो इनका जो सबसे पहला जो ये चीज़ कहते हैं कि पॉलिटिकल रियलिज्म में यानी हमारी सोसाइटी में कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं कुछ लॉज हैं जिसके जो वो लॉज का वो जो रूट्स हैं वो कहाँ पर है वो रूट्स हैं ह्यूमन नेचर में कि ह्यूमन नेचर जैसा होगा वैसे ही हमारे लॉज होंगे वैसे ही हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे सोसाइटी को गवर्न करने के लिए फिर मॉर्गें तो बात करते हैं नेशनल इंटरेस्ट के बारे में वो ये कहते हैं कि इस नेशनल इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है ये बात करते हैं पावर की कि इस नेशनल इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है पावर सो नंबर वन इज़ पॉलिटिक्स इज़ गवर्न बाय ऑब्जेक्टिव विच हैव रूट्स इन ह्यूमन नेचर सेकेंड वन इज़ नेशनल इंटरेस्ट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ नेशनल पावर थर्ड इज़ इंटरेस्ट इज़ ऑलवेज डायनेमिक कि कल जो हमारी कंट्री जो जो हमारी कंट्री के लिए अच्छा था जो हमारी कंट्री के लिए एक नेशनल इंटरेस्ट था वो आज कुछ और भी हो सकता है चाहे आज आ, वो यू नो चें चेंजेबल है आ, कल हमारी कंट्री जो चीज़ करना चाहती थी मे बी आज वो हमारी कंट्री के लिए वो चीज़ अच्छी नहीं है तो एक जो नेशनल इंटरेस्ट जो है वो डायनेमिक है वो बहुत चेंज हो रहा है वो कुछ भी फिक्स नहीं है ठीक है नेक्स्ट वो बात करते हैं नेक्स्ट वो बात करते हैं कि एक लीडर को जब हम यू uh, नो you know, एक टेंशन uh, होती है बिटवीन टू कंट्रीज तो उन्हें मॉरल कमांड अकॉर्डिंग टू मॉरल कमांड वो ये कहते हैं कि हम एक कंट्री को जो है दूसरी कंट्री में को नहीं अटैक करना चाहिए यही हमारा यू नो मॉरल कमांड यही कहती है पर टू तो सेव आवर नेशनल इंटरेस्ट एक कंट्री के जो लीडर को है टाइमली पॉलिटिकल एक्शन लेना चाहिए टू सेव आवर नेशनल इंटरेस्ट ये बात कहते हैं मॉर्गेन थ्रो अच्छे मॉरल प्रिंसिपल्स कैन नॉट बी अप्लाई टू द पॉलिटिक्स और इसी को ये आगे फिर वो कंटिन्यू रखते हैं डिफरेंस बिटवीन आर मॉरल एस्पिरेशन ऑफ अ नेशन एंड द यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स की कुछ डिफरेंस है कि हमारे जो मॉरल्स हैं वो हमें कुछ और सिखाते हैं और जो यूनिवर्सली यू नो एक सिचुएशन पे जब लीडर होता है कि जब एक वॉर की स्थिति आए तो एक लीडर को बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए और उसे वॉर का एक जंग का ऐलान कर देना चाहिए उस टाइम पर लास्ट वन इज़ ऑटोनॉमी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तो इसी के साथ हमारी ये जो थ्योरी जो है रियलिज़म की जो थ्योरी है वो ख़त्म होती है आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा समझ में आया होगा तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड ऑल द बेस्ट थैंक यू